अस्सलाम वालेकुम, पाकिस्तान क्ले टाइल में खुश आमदीद। आज मैं आपको ग्लेज टाइल 6x11 इंच में दिखा रहा हूँ। फिक्स हुई, फ्रंट पे डबल लगाई गई है। अभी काम जो है वो पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, अभी हम लोग इसे लगवा रहे हैं। आपको सिर्फ विज़िट करवाना चाह रहा हूँ कि ग्लेज टाइल जो है ये किस तरीके से फिक्स हुई नज़र आती है। इसका फ्रंट मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ डबल किस तरह नज़र आते हैं। ये इसका फ्रंट डबल लगा हुआ है, वो सामने जो कनोपी है खपरेल नहीं लगी, आप देख सकते हैं खपरेल लगाने के लिए पहले आपको ये कनोपी बनानी पड़ती है। अक्सर लोग पूछते हैं कि फ्रंट पे जो डबल सिंगल का क्या मुआजरा है, आपको डबल दिखा चुका हूँ या आप सिंगल देख लें। अगर आप सिंगल लगवाएंगे तो आपको ये फ्रंट से जो है वो इसका व्यू इस तरह नज़र आएगा, और अगर डबल लगाते हैं तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आप देख सकते हैं, ये डबल का व्यू है। पाकिस्तान की नंबर वन ग्लेज टाइल है। हमारे पास ग्लेज टाइल में मुकम्मल वैरायटी मौजूद है। आए मैं आपको ग्लेज टाइल इस साइड पे फिक्स हुई दिखा रहा हूँ। यह भी अभी प्रोसेस जो है लगवाई का कंप्लीट नहीं हुआ। एक और चीज़ आज मैं आपको नहीं समझाऊँगा, ये आप देख सकते हैं लाइनें लगाई गई हैं। ये लाइनें लगाने का मकसद ये है कि जो टाइल है वो आपकी प्रॉपर तरीके के साथ इसकी लाइनें इसकी लंबाई में चौड़ाई में सॉरी और लंबाई में बिल्कुल सीधी नज़र आएँ। अक्सर मैं आपको बताता रहता हूँ कि खपरेल टाइल लगवाने के लिए आपका जो लेवल है वो ठीक होना चाहिए। ये आप देख सकते हैं, मैंने चपटी को रख दिया इसके ऊपर, कनोपी के ऊपर। ये बिल्कुल इसमें हला नज़र नहीं आ रहा है, बिल्कुल लेवल में है। अगर आप लोग चाहते हैं कि आपकी टाइल जो हैं वो बिल्कुल अच्छे तरीके के साथ फिक्स हों, उसमें लाइनों में कोई टेढ़ापन ना हो, बिल्कुल सीधी नज़र आए, तो फिर आपको ये जो प्लास्टर है ये ठीक तरीके से करवाना पड़ेगा। अगर आप प्लास्टर ठीक नहीं करवाएंगे, आपकी टाइल जो है उसमें सेंटर में ढलान बन जाएगी जो सीधी नज़र नहीं आएगी। अगर आप खपरेल टाइल प्रॉपर तरीके के साथ फिक्स करवाना चाहते हैं जिस तरह आपको नज़र आ रही है, तो आपको ये जो मैंने आपको चपटी रख के बताया है ये ढलान आपको ख़त्म करना पड़ेगी, इस साइड से भी और इस साइड से भी। आप देख सकते हैं प्लास्टर बिल्कुल ज़ीरो है। अगर आपके कनोपी में ढलान रहेगी लेवल ना हुआ तो टाइल जो है वो अच्छे तरीके के साथ प्रॉपर तरीके के साथ फिक्स नहीं होगी, उसमें कमी पेशी रह जाएगी। ये आप लोगों के फ़ायदे के लिए, अगर आप इसे प्रॉपर फिक्स करवाते हैं जो आपका प्लास्टर वाला है, आप उससे अच्छे तरीके के साथ प्लास्टर करवाएंगे ज़ीरो में, तो आपके लिए ये फ़ायदा होगा कि आपकी जो खपरेल की लाइनें हैं वो तो बिल्कुल सीधी आएंगी, उसमें कोई फ़र्क नहीं रहेगा। ये जो टाइल का मसाला है, कुछ लोग ये एतराज़ करते हैं जी जब आप टाइल लगाएंगे थोड़े बहुत जो फ़र्क रह गया वो उस वक्त निकाल लें। टाइल लगाते वक्त ये फ़र्क नहीं निकलता, क्योंकि मसाला जो है वो जब हम डालते हैं इसके नीचे टाइल के नीचे तो ये बिल्कुल नरम होता है, और जो नरम मसाला है जब हम टाइल को फिक्स करने के लिए थोड़ा सा ज़ोर से दबाते हैं इस तरीके के साथ, टाइल बैठ जाती है और वो जगह उस तरह बिल्कुल लेवल में नज़र नहीं आती। हमारे पास खपरेल टाइल में मुकम्मल वैरायटी मौजूद है। इसी नंबर पर हमारा व्हाट्सअप है, आप हमें व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। आप अपना ऑर्डर
ऑनलाइन भी बुक करवा सकते हैं। पूरे पाकिस्तान में डिलीवर करने की सहूलत मौजूद है हमारे पास। हमारे पास इसके अलावा भी टायर्स मौजूद हैं। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।